Ma perdón si también pues me sirve gobierno. Si cuando salga por allí que pema que se bandó para ir a verlo. अपने प्रभु जी के चरणों में आते हैं, बैठते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो एक भावना अवश्य आनी चाहिए कि जो प्रभु जी के चरणों में उपदेश है वो शास्त्र के अनुसार ही है, शास्त्र के विरुद्ध कुछ नहीं है। अपने शास्त्र महान है, बहुत हैं और सब में एक ही बात लिखी है कि संसार में आना है, आए हो तो आत्म उद्धार कर लो और आत्मा फिर गिर गई तो आने का फायदा क्या। और खास मनुष्य जन्म में ही आत्म उद्धार हो सकता है। हर एक शास्त्र का एक खास संदेश होता है और वह ये होता है, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो। गीता में एक श्लोक आता है कि हम अपना उद्धार करें, उद्धेत आत्मा नम आत्मना न आत्मा नम अवसात्मा। कोशिश करो कि आत्मा ऊंची उठे, तम ऊपर उठे और नीचे ना गिरो, क्योंकि संसार में आकर हम अकेले हैं, ना कोई माँ बाप अपना है, ना माँ अपनी है, वो तो कुछ देर के लिए है और ना ही कोई दोस्त है कुछ देर के लिए है। लेकिन जीवन तो बड़ा है और जीवन एक जीवन नहीं कई जीवन है, तो उसने कहा कि इसलिए आत्म उद्धार करना है, एक जन्म में करो या दूसरे जन्म में करो, आत्मा उद्धार करते जाना है। एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, दूसरी क्लास बाद तीसरी क्लास और हम MA पास कर लेते हैं। तो इससे एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म बाद तीसरा जन्म और हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जब उद्धार करें तो किसने करना है, कहते खुद ही करना है। आत्मा ही आत्मा बंधु, आत्मा ही मेरी आत्मा, अपने बंधु भी खुद हैं, अपने शत्रु भी खुद हैं, चाहे उद्धार करो चो। तो अब ये प्रश्न होता है कि उद्धार कैसे करें। योग मार्ग में लगे हैं ग्रंथ, योग के अनुकूल ही सारे योगी हमारे में, हम इस आश्रम में हमारे पास संपूर्ण योग है और संपूर्ण योग तीन भागों में बंटा हुआ है और तीनों हमारे पास है, कोई चीज कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ना कर सकें तो कमी हमारी होती है। और तीन ग्रंथ कौन से हैं या तीन मार्ग कौन से हैं, वो अपने प्राचीन ऋषियों के ही उपदेश हैं। एक को आप जानते हैं, कहते हैं हठ योग है, एक योग है नंबर वन, जिसको भगवान शंकर के नाम से हांका जाता है और उसे संपूर्ण है हठ योग। इसके बाहर कोई चीज नहीं है, जो बाहर से कोई बनाना चाहता है तो अपना नाम पैदा करना चाहता है और वो गलत होता है। जो भी है वही है और वो प्रभु जी के आश्रम में वही है और किसी नहीं। और दूसरा है राजयोग, जो पतंजलि ऋषि के नाम से है,
पतंजलि पतंजलि सब करते हैं, लेकिन पतंजलि का योग क्या है ये जनता को नहीं बता सकते, और वो उनका शास्त्र है जो दुनिया का महान शास्त्रों से महान शास्त्र में कौन से षट दर्शन, सांख्य योग, वेदांत योग, कपिल का वो योग, पिंजल का योग, ये छह दर्शन है, इनसे बड़ा शास्त्र कोई नहीं। अगर इनका भाषण पढ़ना हो एकदम सारे देखना हो क्या है तो लगेगा तुम यह, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्ण ने उन सबको अंग्रेजी में अनुवाद किया, बड़ी भारी पुस्तक, बड़ी उन अच्छे मेन से पुस्तक लिखी, पढ़ो वो है पतंजलि योग, जो छह दर्शन में से एक है। और तीसरा योग है जो सबसे ही सरल है, बहुत सुंदर है, हर तरह से संपूर्ण है, वो है कर्म योग गीता का। वो जो योग शास्त्र है इसको व्यास ने रचा और फिर मैं किया योग शास्त्र है श्री कृष्ण अर्जुन स्वाद, ये योग शास्त्र है, तीन शास्त्र योग के। अब अगर हम अपना उद्धार करना चाहते हैं प्रभु जी के चरण में आकर, तो तीनों में से कुछ कुछ लेकर करें। और हम तो सारा तो भोजन खा नहीं सकते, थोड़ा सा खाएं। अब मैं बता रहा हूँ, अगर आपने शिव का योग लेने हैं आठ योग, तो कहाँ से शुरू होता है, षट कर्मों से, और षट कर्म से नेति से, और नेति क्या है नाक से, और नाक क्या है इंसान की इज्जत है, उसको संभालो आठ योग द्वारा, सबसे पहले बन जाते हैं, सुखी हो जाओगे, योगी बन जाओगे। और राजयोग क्या है, कब से राज, वो अगर नीचे शुरू होता है तो काफी शुरू करना है ना, हम भगवान शंकर के लिए दसों द्वार में सांस नहीं ले जा सकते, हमारा टाइम नहीं है, ना ही गृहस्थ में संभव है, गृहस्थ कैसे जाएगा दसों द्वार सांस तक बैठ जाओगे, परंतु निश्चित कर सकते हैं बीमारियों से बचेंगे, गृहस्थ को सुखी रखेंगे। और राजयोग बात कुछ भी नहीं है, यम नियम शुरू होता है, और यम नियम से पहली चीज के अहिंसा सत्य, किसी के मन को ना दिखाओ अहिंसा, और किसी के साथ झूठ व्यवहार ना करो सत्य, जो ये करेगा संसार का महान पुरुष बन जाएगा, सब इज्जत करेंगे, सच्चा इंसान है उससे किसी को डर नहीं और ना किसी को डराता है। और अगर नगर में एक भी ऐसा सच्चा इंसान हो और जो किसी का मित्र हो, सब मित्र, एक इंसान ही सारे नगर का हर दिल निर्जीत हो जाता है, पर हम झूठ बोल देते हैं, हम दूसरों के मन को दिखा देते हैं, दुश्मनी करते हैं। अजात शत्रु जन्म से जिसका शत्रु हुए, जब से पैदा हुआ कोई शत्रु नहीं बना, सब मित्र। वेद भी कहते हैं ऐसा बनो, मित्र चक्षुषा समीप में हर एक को मित्र समझो, सबके मित्र बनो, यह है हिंसा। और ऐसा इंसान ही वो हो सकता है जो सच्चा हो,
जो झूठ बोलता है या झूठे कर्म करते हैं या धोखा देते हैं वो कैसे होते हैं? देखो ये योग जो दो हैं इनका काका है ये, और काका से मां बन जाते, मान और आदमी बन जाते। तीसरा योग कर्म योग, अपनी ड्यूटी करो, बस ड्यूटी करो, ये ना करो कि हम करते हैं और कम मिलता है। भगवान ने हर एक को ड्यूटी दी है, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे दुकान पर हो, ड्यूटी करनी है। उसके दस सोचो कि हमें क्या मिलेगा, वो भगवान ने ड्यूटी दी है। तो वो जो है कर्म योग, कर्म निवधिकारा से माँ फले शुक्रदार, ये कर्म योग है। कर्म निवधिकारा से तुम्हारा काम कर्म करने, फल की से इच्छा, फल की सब देखने तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा काम है पेपर देना, ये नहीं कर सकते तुम मेरे नंबर इतने आए, नंबर तो और नहीं लगाने, तो सोचते क्यों पेपर अच्छा करो। ये गीता जो इन तीनों पर चलेगा वो संसार के अंदर महान पुरुष बन जाएगा। बट महान कई बनना चाहते हैं, इस तरह नहीं देखते, दूसरों देखते हैं। बड़े बड़े बादशाह महान हुए, बड़े बड़े योगी महान हुए, बड़े बड़े गुरु महान हुए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो महान योग द्वारा हुए। बादशाह महान बने योग द्वारा नहीं, बहुत योगी महान बने योग द्वारा नहीं, नाम केवल योग है। बहुत गुरु महान बने इन इस द्वारा नहीं, और द्वारा। हम उस तरह महान न बनना चाहे, वो कर से माया द्वारा। एक या पदवी द्वारा, एक राजनीति के पदवी द्वारा महान है, एक राजा है धन द्वारा महान है, एक योगी है बहुत धन इकट्ठा किया है उसका महान है, ये होता है। और एक योगी है जो इस योग पर चलता है और उसको किसी को पता नहीं ये महान है। तो वो अपने धीरे धीरे बन रहे हैं, और जो वो योगी हैं, सूर्य उदय होता है सबको दिखलाई देता है, परंतु कुछ देर के बाद बादल छा जाते हैं। बस एक सूर्य होता है, उदय होता धीरे धीरे होता है, और कभी डूबने का नाम नहीं लेता, उसके बादल नहीं आते। जो अस्सी योगी है उसके समय बादल नहीं आएंगे, बादल माया के होते हैं, माया के बादल उनको ढक लेते हैं। कल जो बड़े बड़े योगी थे, आज उनका नाम भी नहीं है, उनको माया ने ढक लिया। आज भी वो योगी हैं, माया जब माया के पर्दे में जब छिप जाएंगे उनको नाम नहीं लेगा। ऐसे योगी हुए जिनके बस माया जो इस तरह चले, योग के अनुसार चले, गुरु नानक देव, कबीर, रविदास, प्रभु जी, स्वामी जी, जब तक संसार रहेगा उनके सामने पर्दा नहीं आएगा। हमने वो योगी बनना है, पर माया का पर्दा आया तो वो सूर्य का के सामने अंधकार आ गया। अब जब व्यवहारिक बात आती है तो अब हमने करना क्या है? एक तो माया से
हमें प्यार कम कर दें ताकि हमें पास कम आए। लेकिन हम माया से बहुत प्यार करते हैं, माया हमें चिपट जाती है, जो आज कल बड़े बड़े योगियों में चिपटी हुई है। और वो योगी कई योगी हुए, मैं नाम क्यों लूं, आप उनको पूछते भी कोई नहीं। मगर जिन बात जो माया के पर्दे के पीछे नहीं आए, वो तो नाम लेने चाहिए उनका, वो तो मानते मेरे प्रभु जी हैं, स्वामी जी हैं। तो अब जो उपदेश है क्या है, सार क्या है इन शास्त्रों का, जिस पर हम चलकर मान बांध सकते, वो तो हुआ जो साधन है। लेकिन उसके अतिरिक्त और भी है, एक योग दर्शन करें क्या, उसके अतिरिक्त भी योग दर्शन और गीता का एक ऐसा उपदेश है जिसको हम कहते हैं रोज करना होगा व्यवहारिक। योग दर्शन में है एक सूत्र कि तुम माध्यम तो नहीं लगा सकते, मैं कुछ तो करो। वहां सूत्र है क्रिया योग करो, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधानी क्रिया योग। सारे को चार भागों में योग दर्शन लिखकर एक सूत्र लिख दिया कि क्रिया योग है, इसे तुम्हारे लिए यही है जो गृहस्थी है। आठ योग भी गृहस्थियों के लिए है, राजयोग भी गृहस्थियों के लिए है, और कर्म योग गृहस्थियों के लिए है, उससे आगे भी है, लेकिन हम तो गृहस्थी हैं, उनके लिए तीनों ही हैं। तो योग दर्शन कहते हैं तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधानी क्रिया योग। और गीता कहती है 18 चैप्टर लिखकर आखिर में कहती है कि इतना बड़ा ज्ञान दिया तुम्हें, लेकिन याद रखो कितने भी नहाना पड़ता है फिर भी नहाने पड़ते हैं। कितना बड़ा योगी बन जाओगे, मुक्ति के नजदीक पहुंच जाओगे, तो फिर भी यही कहना पड़ेगा जो पतंजलि जी कहते हैं, ताकि तुम पवित्र हो सको और पवित्र हो सको। तो हीला श्लोक है गीता का, यज्ञ दान तप पावनानी मनीषिया, योगियों को पवित्र करते, नहाना हर एक को पवित्र कर देते, साफ करते हैं। और योगियों को भी पवित्र करना हो कि मैं बड़ा योगी हूँ, मैंने बड़ी साधना की है, मैंने वे ना करोगे तुम गंदे रहोगे। तब यज्ञ दान तप पावनानी मनीषिना, यज्ञ दान और तप ये योगियों को पवित्र करते हैं। जो योगी मर पवित्र, अगर ये ना करोगे योगी भी गंदा हो जाएगा। मैं सुबह नाम लूँगा कितना भी चाहूँ फिर भी गंदा ही हूँ, आखिर में जा करते। ये दो चीज़ें हैं मिलती जुलती, योग दर्शन का और कर्म योग का, ये जो है गीता का, उसे एक चीज़ कॉमन आती है। अब दूसरे शब्द वही है, बात वही है, शब्द दूसरे हैं, लेकिन एक शब्द तो सब में है। पहले मैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रदान, और दूसरे में यज्ञ दान तप, तप जब में। अब हम ज्यादा पहले तप का विचार करें, तप क्या होता है। तप वो चीज है किसी चीज को पवित्र कर देती है। अब तपाना, सोने को तपाए सोना पवित्र हो जाएगा,
उससे कठिनाई आती है, आग में जलना पड़ता है। तो ये शारीरिक चीज है, सोना बाहर से स्वभाव होगा जलाने से, शरीर कभी ऐसा करना होगा जिससे हमें नस नारियां को कष्ट पहुंचे। और बात पे हमारे लिए साधारण ही है, अपने चरण में है, हम मैं कल कहा था कि हमारे यहाँ सुबह आसन होते हैं, मैंने बहुत से आती हैं, वो हमारी लड़की है, हम ये जो बहने आती हैं इसमें सिख ज्यादा हैं हिंदू को, बात क्या है, क्यों सीख रहा है? जैसे मैं कहता हूँ कि अस्पताल के सामने हिंदू ज्यादा होते हैं, मुसलमान कम होते हैं, कोई कारण होता है ना, वो मुसलमान का कारण तो मैंने ये बताया क्यों होता कम। मारे वो मैंने सिख भाई जो है थे ज्यादा, उसका कारण है सिख घरों में ये रिवाज है, सुबह उठकर गुरुद्वारे में माथे टेकने जाना, और जो मरीज पुरुष है वो अपने कमरे में जाकर ग्रंथ साहब का पाठ करते। मैं हिंदू परिवार में है कुछ, चल आओ पियोगे फिर सो जाएंगे, तो उनके बच्चे बेस पाएंगे। जिस परिवार में सवेरे उठकर माँ गुरुद्वारे चले जाती है, बाप पाठ में जा जाता है, बच्चे भी उठ जाते हैं, उनकी आदत पड़ गई सवेरे उठी 5:30 बजे आ जाते हैं छोटे बच्चे उनके, और मैं भी आसन करके घंटा भर आसन करती है, मैं इतना आसन करती है उनके शरीर चाहिए और अच्छा हो जाए। तो हमने ये तप सवेरे उठकर अपने लिखा है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो बात कह देते हैं मैं करते हैं ना, अर्ली टू बेड जाते हैं ना अर्ली टू राइज करते हैं, ये पुरानी कहावतें हैं, ये पूरी सत्य है, बुजुर्गों ने बनाई है, लेकिन नहीं चाह पी के फिर सो जाते हैं, कैसी तो क्या होगा फिर हमारी संतान भी ऐसी बन जाएंगे, हम तपस्वी नहीं है। अब प्रभु जी के बच्चे जो हैं वो तपस्वी बनेंगे, उठना कब है पंजाबी में मुंह अंधेरे, मुसलमान में कहते हैं जब बांग होती है, कुकुर बोलता है कुछ मिलना जा पड़ता है लो ये बोल जाता है, और कुकुर को बोलता है, पर हिंदू फिर सो जाते मुसलमान जाके बात करेंगे। मैंने कहा मुसलमान क्यों मस्जिद के बीमार काम है, वो सुबह नमाज पढ़ता तपस्वी है, हिंदू क्यों ज्यादा बीमार है वो तपस्वी नहीं है सो जाते। तो हमें क्या कहना, हम प्रभु के बच्चे हैं ना, हम कोई अपने को ना प्रभु कहीं कहते हैं, हम जो भी हैं लेकिन गुरु से शिष्ट होने के हैं, हमें सुबह उठकर मुंह अंधेरे उठना चाहिए। मुंह अंधेरा क्या होता है पंजाबी के शब्द, जब कोई हमारे सामने आए आए दिखलाई दे लेकिन मुंह पहचाने ना कौन है, यहाँ तक भी कि बहन है भाई है इतना भी पता नहीं है, क्योंकि मुंह दिखाई देता भाई शरीर दिखाई देता वो मुंह जाए कहते हैं, वो कुकुर वाली बात कुकुर बोल रहा वो कुकुर बोलता है उधर मिल्ला बोलता है, क्योंकि हम तो मुसलमानों के जमाने में रहे हैं, मुसलमान के कहीं ऐसा भी रहे
कुकर दो कुकर काम रखते हैं, मुसलमान रखते थे, तो उनके घर में कुक मुर्गा भी बोलता था और मस्जिद में मुर्गा भी बोलता था, और वो उठ जाते हैं। तो इसलिए उस वक्त उठना चाहिए। और यहाँ हमारे सब पंजाबी मान गया, हिंदी मान गया कि उठने का टाइम मुंह दे रहा, उठो, उठकर दो काम करने होते हैं। मैंने देखा साधु महात्मा, उनके साथ रहा, उठ जाते हैं, आप वहीं बैठ जा, आप ध्यान में बैठ जाए। आजकल वो भी काम खत्म हो गया, साधु भी नहीं दिखाई देते और भगत भी नहीं दिखाई देते, लेकिन वो उठ अपने ध्यान आधा घंटा ध्यान में बैठते थे और फिर जो करना करना। लेकिन अगर हम ध्यान में ना भी बैठे बैठ सकें तो उठकर योगा तो करना ही होगा, नेत्री धोती और आधा घंटा पौना घंटा लगाओ, बस उठने की आदत पड़ जाएगी। हम उठेंगे तो अगर तोते का दुख रहना, तोता बाकी लो देखो जो बोलेगा पता लग जाए कहाँ से आया है। राम में कहेगा तो किसी भगत का से आया, और जब गालियां देगा तो किसी खराबी आदमी गा रहे हैं। इस तरह बाप के अनुसार बेचा चलते हैं, बच्चे से पता लगता है बाप के, तो बच्चे हमारे साथ वो योगी बन जाएंगे। वो जो सुबह आते हैं परिवार 5 बजे 5:30 बजे, वो साथ इतने बच्चे भी जाते हैं, मैं भी आसन करते हैं। हाँ, बच्चे इतने बच्चे में आसन दिखाया, परफेक्ट चक्र आसन, कौन है देखा, परफेक्ट। माँ बाप करते हैं, उनको साथ साथ ले आते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप भी करेंगे, कुछ भी करें, योग करेंगे बच्चे भी करेंगे, ये है तप। तो तीनों चीज में, एक में तप स्वाध्याय ईश्वर परिणाम, तप करो स्वाध्याय करो और भक्ति करो, वो हमारे नित्य कर्म है। और उधर यज्ञ दान तपक पावनि ऋषि नाम, उसमें यज्ञ है, यज्ञ भक्ति होती है, कर्म योग वाला है, यज्ञ वो है भक्ति जो है, यज्ञ उसको जानिए गीता है, यज्ञ उसको जानिए यहाँ स्मरण भगवान, ये नहीं ब्राह्मण को खाना खिलाना, ये यज्ञ नहीं है, यज्ञ होता है जिसमें हम भगवान का नाम लेते हैं, इसी गीता में लिखे हैं, यज्ञ उसको जानिए जिसे स्मरण, तो वही भक्ति होगी। और दान क्या होते हैं, दान के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं कहता हूँ हमारा आश्रम कि एक एक व्यक्ति ऐसा हो कोई भी पहुंच जाए उसकी मदद करे, कैसे एक पता नहीं शेखर राय के लिए मैंने कहा कि देखो अपनी इनकम जो होती है, जैसे ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो खाने से पहले रख देता, कुछ तनख्वाह आती है रख दो, एक तो आपकी नहीं है वो किसी और की है, जिसको जरूरत होगी दे देंगे, वो खाना होता है चाहे कौवा खा ले चाहे गऊ खा ले चाहे सीट खा ले, लेकिन अपना नहीं खा, अपने खा ले, बेहद दान। जब दुखा जाओ दुकान पर से नकदी गिरो मुठ पर रख लो, ये हमारी नहीं है, बाकी हमारे है, कोई इनकम आए कुछ है ये हमारी नहीं है, क्या होगा, वो दान का काम होगा देने के लिए।
आपका ये बढ़ जाए बढ़ जाएगा। रोज अगर 50 रुपये भी 20 रुपये रखे तो बढ़ जाएगा, बढ़ना चाहिए। आपका धीरे धीरे तो किस कोई मुसीबत में पड़ा है, जैसे वो फेंक रहा है, दुकान छोटी सी है 25 रुपये निकालता है, उसके पड़ोसी का पंप, गांव में पंप ही होते हैं, पंप खराब हो गया, पानी कैसे, पैसे नहीं है। मैं बुलाया मिस्त्री को, पंप ठीक करा दिया, अपने दान से पैसे निकाल दिए, मैंने पूछा थैंक यू, पंप ठीक हो गया। अगर ना पैसे देता पंप इधर से पानी छोड़ता। एक अब केशव जी कहते हैं, एक आदमी का पैर इतना खराब हो गया था बेचारे का, मुश्किल था कैसे करें, बड़ा खर्च होगा, खर्च होगा, मैं डरूंगा जितना खर्च होगा मैं दूंगा इसका, अब ठीक है। वो ये है दान। गांव में जाते हैं, कुछ किसी को तकलीफ होती है तो आप जो बचा हुआ पैसा है, और कोई सत्संग में आना चाहता है टिकट नहीं है, टिकट ले दो उसको। तो हर एक प्रवीण का बच्चा दानी होना चाहिए, और दानी तब होगा जब हर अपनी आय में से दान फंड रखेगा। आपके बहुत हो जाएगा, मैं कहता 5 लाख हो जाएगा तो थोड़े हैं। किसी का बाप हार्ट पेशेंट है, गरीब आदमी है, मैं बाप मर जाएगा, नहीं जिंदा हो जाएगा, डॉक्टर को इसका इलाज मैं करूँगा, 1 लाख 1.5 लाख कोई खर्चा मैं दूंगा, मैं उसको बचाओ। क्या भाई आपके 5 लाख है, 1.5 लाख चलेगा तो आपके। हर एक बच्चा क्यों मैं लिखे यज्ञान तप कर, दान का मतलब क्या है, नहीं दानी है, क्या दानी हो, अपना दान फंड रखो, चाहे बैंक में हो चाहे घर हो जैसे भी हो, जो जरूरत हो। अगर हमारे जापान के अंदर कैलेमिटी आई है, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहे कि दो दो भाई हमें, तो लोग अगर 5,000 देंगे आप 50,000 दो आपके पैसे दान के लिए, क्यों, वह जानना चाहिए हमारे देश की इज्जत है कि हम कितना बेचते। तो आपका वो पैसा आपका नहीं है, 5 लाख में अगर 50,000 चला गया तो बाकी 4,500 रहेगी आपका। नहीं जी मैं आपके इनकम आती है 5,000 तो मैं 50 रखता हूँ तो बड़ा बड़ा है, जब 50 5,450 तो है आपके पास, वो कम है, बाकी रहे तो जितना चले। मैं चाहता हूँ ये जब उपदेश है, गीता कहती है, गीता खुद ही कह रही है यज्ञ दान तप हमारे पवित्र करेगी। पवित्र क्या करती है, अगर उस लड़के ने किसी का पंप लगा दिया या किसी ने अस्पताल में भटकी माँ को उसके पैर नहीं थे तो पर्ची लेकर दवाइयाँ लगा दी अपने, आपके मन को इतनी पवित्रता होगी जैसे आप सब में मांग लाया, जब आदमी ऐसे ताज़ा होता है आपका मन ताज़ा हो जाएगा। ये इससे योगी पवित्र हो सकते हैं, आप योग करते हैं दान करेंगे और ज्यादा पवित्रता आएगी, खुशी 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 पवित्र, किसी बच्चे को हेल्प कर दो किसी को, कितना खुशी होती है, तो खुशी ही तो पवित्रता होती है। तो ये गीता में ठीक है यज्ञ दान तप कर्मानी पवित्र, ये योगियों को पवित्र करती है, पाप नानी मनीषी ना मनीषी को पवित्र करती है। तो अगर मैं दान करता हूँ तो मुझे नहाने से ज्यादा पवित्रता मन की होती है, मन तो थोड़ा जल से नहाएगा, जल से शीर्ण आएगा, लेकिन मन दान से ना आएगा करते। पर दान कैसे करोगे, ये नहीं कि उन जगह पे दो जहाँ
पैसा कार में लगे, कार में लोग सैर करें, गुरुद्वारों में। ये सात्विक दान होता है जब हम महसूस करें कि अब मैं करना ही चाहिए, वो सात्विक दान करें। इस गीता में सात्विक राशिक तामसिक तीन प्रकार के दान होते हैं। सात्विक दान होते हैं जब आपका मन करे मैंने करना ही करना है, वो सात्विक दान होता है मन से। तो इसलिए आज का ये बात थे कि हम प्रभु चरण में हैं, शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, हम उनका पालन करें तब भी हमारा उद्धार होगा। अगर हम इन नियमों पर चलें, रोज तप करें, रोज का योग करें, हम भी हमारा भी उद्धार होगा, हमारे परिवार का भी उद्धार होगा। और दान करें मन की प्रसन्नता होगी, हमारा परिवार भी दुनिया के अंदर उसको नेकनामी होगी कि अगर किसी को दुख है तो अगर हमारे परिवार कहता है हमारे हजारों हैं तो कोई आया, मैं धर्मशाला रहता हूँ, मेरा ये दुख है, परसों पहुँच जाओ, फटाफट आपका इलाज होगा, क्योंकि उनके पास है। रामपुर पहुँच मेरे पर पहुँच जाओ, कंवर साहब पहुँच जाओ, तुम्हारी दुख ही दूर हो जाए। किसी के लड़की आई यहाँ कुमारपुर पहुँच जाओ, हमारे भक्त किसी के पास जा जाओ, तुम्हारा दुख दूर, क्योंकि उस पर इतना है देने के लिए। इसको कहते हैं कि सेवा का एक ग्रुप, सेवा समिति, कोई भी पहुंच जाए, पर तब होगा कि हम इन नियमों पर चले। ये प्रभु जी के नियम है। बोल सच्चिदानंद महा।